देखिए पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। गाँव के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊँ, धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग रखें और जो राजनीति धर्म के द्वारा कर रहे वो गलत कर रहे। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में उन्होंने त्रिवेणी घाट पर पूजा अर्चना की और हर रोज यहां पर होने वाली गंगा आरती में भी शामिल हुए। साथ ही उन्होंने घाट पर भंडारे का आयोजन भी किया। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा के कारण आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। जब आरती के बाद मीडिया ने उनसे अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं और अमेठी की जनता चाहती है कि मैं उनके क्षेत्र में आऊं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। सर अमेठी 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 वाले चाह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा यहां पर आए और चुनाव लड़े। देखिए पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। गाँव के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊँ और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद हैं वहाँ की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उनको लगा है कि जब भी स्मृति ईरानी जी ने संसद में मेरा नाम इस्तेमाल किया वो बेबुनियाद था। कोई आरोप जो लगाए वो उसको प्रूव नहीं कर पाए और वो हमेशा, मैंने उनको चैलेंज भी किया अपने सोशल मीडिया के द्वारा। मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ तो वो आरोप को प्रूव करे, नहीं तो मतलब वो बिल्कुल बेबुनियाद ऐसे इल्ज़ाम ना लगाए। स्थिति क्या है इसका, आप देख रहे हैं जो पहला फेज था ज़रूर कांग्रेस के हित में गए और सेकंड फेज भी लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव का समय है और वो देख रहे हैं राहुल और प्रियंका की जितनी मेहनत है वो उसको समझ रहे हैं और वो बदलाव है और वो गांधी परिवार के साथ है। चरण का चुनाव हुआ है, क्या लग रहा है देख करके कि यूपी में किस तरह का रिस्पांस मिलेगा? जरूर अच्छा मिलेगा, लोगों को बदलाव चाहिए, लोगों को ये जो डर है और जो भय सब में डाला हुआ है, जो कोई भी अगर व्हाट्सएप करता है या कोई भी कुछ बोलता है तो उनको लगता है कि कोई ना कोई उनके ऊपर राफेल पड़ी आएगी। और जैसे ये ईडी और जो अलग अलग दुरुपयोग होता है एजेंसियों का, उससे लोगों को छुटकारा चाहिए। सर मैनिफेस्टो सर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती में शिरकत की और साथ ही प्रियंका और राहुल की सुरक्षा के लिए मां गंगा से प्रार्थना भी की है। उन्होंने कहा कि राजनीति और धर्म को अलग रखिए, देश में असुरक्षा का माहौल है लेकिन प्रथम चरण के चुनाव से लगता है कि जनता अब बदलाव चाहती है। आज मुझे शामिल किया गया, आरती के लिए बुलाया गया है नीचे और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ आके शक्ति मिली है और मैंने प्रार्थना की कि राहुल और प्रियंका जो प्रचार कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए और पूरे देश में माहौल जो है वो सुख शांति का बने रहे, भाईचारा बने रहे और एक धर्म निष्पेक्ष देश बने रहे। मैं ये कहूँगा कि धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग रखें और जो राजनीति धर्म के द्वारा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और जब भी कोई भी मुश्किल में होता है वो अपने धर्म को याद करते हैं। तो किसी को अपने नेता की याद नहीं आती है, वो अपने भगवान को याद करते हैं। तो धर्म को अलग रखना चाहिए और राजनीति को अलग रखना चाहिए। सर लगातार गांधी परिवार पर हमला किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? अब ये बीजेपी की सरकार के प्रचार करने का तरीका है, लोगों में डर फैलाना, जो असल मुद्दे हैं उसकी बात नहीं करेंगे। अरे थोड़ा नीचे जी सर, नीचे ही है। असल मुद्दे हैं लोगों की उसकी बात नहीं करेंगे, अलग अलग ऐसी बातें करेंगे जो बेकार की बात है और जो उम्मीद नहीं करते हैं, जो चाहे प्रधानमंत्री हो जो भी नेता हो उनके, वो हमेशा गांधी परिवार का निशाना इसलिए बनाते हैं कि गांधी परिवार जो लोगों की बात बुलंद करते हैं, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं और जो
कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल सकते हैं, कोई और कर नहीं सकता है। वो खाली ऑप्टिक्स और दिखावा करते हैं और बात करते हैं और बस वही, जो जब भी उनका जो जब भी कोई इलेक्शन होता है उस टाइम वो बोलते हैं हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे देश के लोगों के लिए, पर कुछ होता नहीं है। और अगर देखेंगे देश में खाली लोगों में डर और भय है और बस मुझे लगता है कि भेदभाव की नेता ये राजनीति करते हैं जो गलत है और देश के लिए हानिकारक। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि, एआईसीसी के सदस्य जयंद्र रमोला, प्रदेश महामंत्री राजपाल खरोला सहित प्रदेश के सचिव गीताराम जायसवाल और अन्य मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।